नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? मैं हूँ अब्दुल हैदराबादी। आप सुनो नक्को सुनो और सुनना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ही बोलूंगा। मालूम मैं इतने अरसे के बाद काय हुआ है? बाबा मैं कोरोना की दूसरी वैक्सीन लगवाने को गया, बहुत लंबी लाइन थी। क्या बात है? इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा, इस दौरान मैं क्या किया मालूम? मैं बिस्किटा वाला चैनल की एक फिल्म देख डाला और फिल्म देख के मैं क्या किया मालूम? मैं अल्लाह मियां से दुआ किया, हे अल्लाह हमारे बच्चों को भी इस फिल्म जैसी ही अम्मा दे, आमीन। What? 10 साल गुजर गए बाबा, लेकिन वो पोटी नहीं बदली, इसीलिए मैं दुआ किया कि हमारे बच्चों की अम्मियां भी ऐसे ही रहना। नहीं समझे? आओ हम मैं कीड़े निकालूंगा, क्योंकि ये फिल्म देखो मेरे अंदर का कीड़ा जाग गया। अरे अरे निकाल रहा हूँ बाबा, आओ आओ निकाल रहा हूँ कीड़ा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। अरे बाबा 10 साल में खाली इतना फर्क आया कि वो पोटी विलायती कपड़े छोड़ को अम्मी के कपड़े पहनने की कोशिश की, इसीलिए मैं अल्लाह मियां से दुआ किया कि हमारे बच्चों को भी ऐसी चम्मियां मिलना। पता है हरामी हो बेटा। हीरो हमारा जो है वो लंदन से आया, लेकिन उसको इतनी सर्दी लग रही उन्हें ओवरकोट पहन के घूम रहा। उसका छोटा जो भाई दिखा रहे वो साला एक मामूली सी जैकेट पहन के घूम रहा था। सच बताएं दाद, एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही बाबा, ये लोग किधर तो भी जा रहे, इन लोगों का घर आखिर है किधर? एक ही सड़क पे आगे पीछे घुमा के बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मां के बच्चे। लंदन में भी इतनी नॉइस पोल्यूशन होती है? साउंड पोल्यूशन वाह, जब ट्रैफिक ही नहीं है रोड पे, गाड़ी में कोई फिल्म में कोई साउंड भी नहीं दिख रहे पीछे से, गाड़ी में टेप भी नहीं चल रहा, तो काय का साउंड पोल्यूशन? तो क्या लग रहा मालूम? वो जो पेड़ के अंदर की गड़बड़ है और उसके बाद जो पोल्यूशन हुई, क्या बात कर रहा है? एक बात मेरे को बताओ बाबा, हम लोग 2021 में रह रहे कि 1975 में? What? आज के दौर में पोलराइड कैमरा कौन तो भी यूज करता, जब एक सवाल के एक स्मार्टफोन है आप कर दे क्या? नहीं। हाँ, अगर आप अपने बच्चे को आज के दौर में स्लैम बुक बनाना सिखाते तो शायद करते हो। कौन है? कौन तो भी लिखा है कहानी मेरे को बताओ। मजाक बना रखा है। पीठ से फिल्म बनाना बंद कर दो बाबा, ये 2021 है, आज के दौर में आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अबे साले, अगर कहानी बनाना ही था तो फेसबुक की मेमोरी दिखा देते। ठीक है, क्योंकि आज का बच्चा फेसबुक और इंस्टाग्राम जानता, स्लैम बुक क्या होती पूछे तो पूछता क्या भी बोल रहे। कलेजा ठंडा हो गया मेरा। एक भाई जो लंदन से आया दिखाया उन्हें iPhone 11 इस्तेमाल कर रहा, दूसरा पोट्टा जो है वो पोलराइड कैमरा, आखिर में दिखाया कि वो घर भी बड़ा है और अमीर लोग हैं बहुत ही, और इतने अमीर लोग हैं कि मर्सिडीज CLK 200 एयरपोर्ट पे ही खड़ी कर दिए। ये तुम्हारा समस्या है? नहीं, कहां से तो भी आई थी ये गाड़ी बाबा, कौन तो भी लाया था ये गाड़ी जिसमें बैठ कर पूरी फिल्म घुमा दी हमको, कौन तो भी लिखा ये स्टोरी मेरे को बताओ। बाबा अब नाम ऐसा है तो मैं क्या बोलूं, कहानी खुद ही बता देंगी स्टोरी के, इंडियन गाने सुनने वाला जब जाज लिखेगा तो ऐसे छोड़। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। ऊपर से रही सही कसर जो है वो नईम बाबा पूरी कर दिए। जी जी, ऐसा स्क्रीन प्ले लिखे, ऐसा स्क्रीन प्ले लिखे, क्या लिखे मालूम? मेरे नए प्लान के मुताबिक पहले पेज पे लिखे गाड़ी चली, दूसरे पेज पे लिखे गाड़ी चल रही है, तीसरे पेज पे लिखे गाड़ी अभी भी चल रही है, और चौथे पेज पे गाड़ी चलती जा रही। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा, साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अकल 10 पैसे की भी नहीं है। वो घोड़ा कैसा चलता है वाली कहानी का लतीफा याद है ना? मस्ती कर रहे हैं तो बाद आ जाए, तू बड़ी राम मौत मना है। हाँ, ऐसे ही लगा मेरे को उसका स्क्रीन पे। अबे साले, तुम लोगों के बाप की तबीयत इतनी खराब है तो तुम लोग रास्ते में रुक के खेतों में लेट के गाजरा लेंगे, क्योंकि फिल्म के हिसाब से बाप को माइनर हार्ट अटैक हुआ। इसमें इख्तलाफ है। तो छोटा जो है वो रोड के ऊपर बचौलिया कर रहा और बड़ा वाला लंदन से कलफ वाला ओवरकोट पहन को आ गया। आला आला, मेरे को फिल्म के अंदर ना तो राइटर नजर आया और ना ही डायरेक्टर, अगर कोई नजर आया तो वो है राणा कामरान बाबा, इस फिल्म के DOP, और वो पोटी 10 साल गुजरने के बाद भी बदली नहीं बाबा, वैसी की वैसी चल। बाबा अब फिल्म में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं खाली इतना ही बोलूंगा कि अगर हाईवे पे इस गाड़ी का टायर फटता ना तो आप सबकी फट जाती। हाँ, चरबट्टा हाँ। अगर जयाज बाबा सीन लिखी दिए थे और नईम बाबा फाइनली गाड़ी रुकवाई दिए थे
तो जो डायरेक्टर बाबा है ना, उनकी उस रोड पे रिकॉर्डिंग करते करते हवा निकल गई थी, क्योंकि उन्होंने हवा से भरा हुआ टायर तब्दील कराने बैठा दिए। मुझे पहले से ही लग रहा था कि ऐसा ही गड़बड़ होगा। किरदार हमारा चाहे लंदन से आया हुआ, लेकिन राइटर और स्क्रीन राइटर तो देसी है ना, तो ऐसे चूंगा। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया अच्छा। लंदन से मोम का गुड्डा आया था, आग के सामने बैठा था तो ठीक, लेकिन करोड़ा वाली लड़की के साथ बैठा तो भाई ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ये वादाली देख के वो पोटी तो अपने कमरे में चली गई और गुड्डे को वापस जमने को छोड़ गई। लंदन में मोम के गुड्डे कहा रहते मालूम है? मैडम तो शॉट। अरे यार बस कर बाबा, फिल्म में फुल्ला डालने को एक ही चीज है, क्या है मालूम? राइटर की कब्र। ओ भाई मारो मुझे मारो। जो फिल्म में तो कहीं नजर नहीं आई, लेकिन रोड ट्रिप की सूरत में मौजूद है। अच्छा बस कर दो यार। एक बात मैं आप लोगों को बोलता हूँ बाबा, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो ये बच्चों के पैसे जाया नहीं कराओ, क्योंकि ये बच्चे लोग ये बिस्किटा खरीदते हो तो ही बिस्किटा वाला चला बनाना। ये शर्मो शर्म करो शर्म। बच्चों के पैसे ऐसे फजूल लोगों पे जाया नहीं करो, ठीक है? और कम से कम एक तो ढंग की फिल्म बना दो। ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन हमारा ही गेम हो जाएगा। अच्छा बाबा देखो, मैं जो ही बोला वो दिल पे नक्को लियो, क्योंकि मैं हूँ अब्दुल हैदराबादी। कोई बोले ना बोले, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मैं हूँ अब्दुल हैदराबादी और मैं सब पे नजर रखता हूँ। आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों का कमेंट्स करके मेरे को बताओ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बाबा हाथ आने गिर जाते, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और कोरोना की वैक्सीन जाको लगवाओ बाबा, क्योंकि बहुत तेजी से दोबारा फैल रहा। अब सिर्फ वैक्सीन ही है जिससे हम लोग बच सकते। तो बाबा अपने आप को भी महफूज रखो और दूसरों को भी महफूज रखो, अपना ख्याल रखो, वैक्सीन लगवाओ और माशरे को सेहत में लाओ। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर आता हूँ आप लोगों से मिलने। अल्लाह हाफिज़।